यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब कोई भी नई घोषणा नहीं करेंगे। पहले जो अधूरी घोषणाएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, उसके बाद नई घोषणाओं का ऐलान किया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं के अधूरे कामों को पूरा करवाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रहेगी। अगले 1.5 साल में कार्यकर्ताओं को पूरी तवज्जो दी जाएगी, जिससे वे पूरे तैयार होकर फील्ड में उतरें। कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा, कांग्रेस के सभी नेता एक ही मंच पर दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी आइटम सॉन्ग की तरह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव के 1 साल पहले हरियाणा की याद आई है। पंजाब में SYL की खिलाफत करने वालों को हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तंवर ने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया। इस बार गर्मी का जो रुख है, लगता है आने वाले समय में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा ने गर्मी में अभी से ही प्रचंड रूप धारण कर लिया है। हालात ये है कि मार्च में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल में झुलसाने वाली गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान गुरुग्राम का रहा। गुरुग्राम का मैक्सिमम टेम्परेचर 40.6 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रंजिश के चलते निजी बस संचालक ने 2 युवकों का अपहरण किया और उन्हें पीट पीट कर अधमरा करके फेंक दिया। छात्रों का आरोप है कि निजी बस उड़न दस्तों ने पिस्तौल के बल पर अपहरण कर उन्हें लाठियों से पीटा। हांसी बरवाला मार्ग पर निजी बस संचालकों की गुंडागर्दी की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर मंगलवार दोपहर की है। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। सरकार ने श्रमिकों की बच्चों की पढ़ाई के छात्रवृत्ति को दुगना कर दिया है। इसके साथ ही श्रमिकों की बेटी की शादी में 51,000 रुपए का शगुन और साथ में 50,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे।